हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री और फिलहाल शुरू करने वाले हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स। तो इट वाज अ लॉन्ग ब्रेक एंड इट्स रियली गुड टू बी बैक अगेन। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस जैनिज्म एंड देन वैष्णविज्म एंड जो भी बचे हुए जितने भी रिलीजन्स के बारे में है। इसके बाद हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और सूफिज्म के बारे में बात करेंगे। वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल दीज रिलीजन रिलेटेड टॉपिक्स इन दिस वीक और देखेंगे क्या कुछ चीजें हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, फिर उनकी फिलोसफीज, और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट्स हुई है और देखेंगे क्या आखिर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार के प्रिलिम्स में, बिकॉज यू कैन हार्डली एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन जो इससे न बन रहा हो, क्योंकि ये हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं। फटाफट शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए आर्ट एंड कल्चर के फुल फ्लेज्ड कोर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 16th of August और इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स की जानकारी दे दी जाएगी। दिस विल बी फिनिश्ड विद इन अ मंथ और इसके लिए आपको कंसाइज स्टडी मटेरियल, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ ही करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए काफी अच्छी एक कोर्स हो सकती है। अगर हम लोग देखें बुद्धिज्म के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि आखिर में व्हाट आर द सोर्सेस जिससे कि हमें इस बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इस एंशिएंट हिस्ट्री में एक्चुअली हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उसी को हम लोग बेसिकली यहां से निकाल रहे होंगे। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं पर भी आपको एसएच डायनेस्टी में कितने रूलर हैं, क्या है, इनके बारे में एसएच वन बाय वन करके याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उन सारे रूलर्स को हम लोग इस आर्ट एंड कल्चर के डिस्कशन में लगातार इसका रेफरेंस लेते रहेंगे, जिससे कि आपको चीजें याद भी हो जाए और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड इन एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो सोर्सेज में फटाफट देखा जाए, सबसे पहले जो सोर्स है वो सीलोन क्रॉनिकल्स है, जहां पर महावामसा, दीपवामसा एंड अथा कथा, इनके बारे में यहां से हमें बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चाइनीज क्रॉनिकल्स हैं, जो भी चाइनीज बाहर के लोग आए भी हैं उन्होंने अपनी फिलोसफीज, उन्होंने अपने किताब लिखी हुई है जिनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा तिब्बतन क्रॉनिकल्स भी हैं, जैसे दिव्य वदान, इसके बारे में हम लोगों ने कंटिन्यूअसली रेफरेंस लिया था अपने एंशियंट हिस्ट्री में। तो दिव्य वदान यहां से भी हमें काफी अच्छी जानकारी मिलती है। दिस इज बेसिकली काल चक्र बुद्धिज्म, यहां से हमें काल चक्र बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग जरा गौतम बुद्ध के बारे में बात कर लिया जाए या महात्मा बुद्ध के बारे में बात किया जाए, तो महात्मा बुद्ध हैं, इनकी जो बर्थ होती है वो होती है 563 BC में और इनकी डेथ होती है 483 BC में। इनके डेथ पे ही इनफैक्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल स्टार्ट की गई थी। हम लोग बात भी करेंगे इसकी इन आवर लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु में, और कपिलवस्तु में भी अगर बात किया जाए थोड़ा सा अगर डिटेल में, तो यहां पर रुम्मिन देई एक जगह है, रुम्मिन देई, दिस इज द रुम्मिन देई जहां पर इनका बर्थ हुआ था। ये शाक्य क्लैन के थे, तो यहां पर लिखा हुआ है शाक्य क्लैन के ये थे, और ये साल ट्री के नीचे बेसिकली इनका जन्म माना जाता है, इनका बर्थ माना जाता है। फादर जो थे वो शुद्धोदन थे और ये शाक्य कह लीजिए कि जो शाक्य वहां की डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या जनपद बोल दीजिए या जो भी बोलना है, तो शाक्य क्लैन के ही बेसिकली ये एक तरीके के रूलर थे। और जो मदर थी इनकी महादेवी, ये कोलीय डायनेस्टी की थी, तो शी वॉज कोलीय डायनेस्टी की रूलर थी। देखिए ये सब स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, सिविल्स में नहीं ये पूछे जाने की संभावना, इस तरीके से फैक्चुअल डिटेल पूछा जाना बड़ा मुश्किल होता है, लगभग नहीं के बराबर ही पूछा जाता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये सब पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको याद रखना होगा।
इनकी जो मदर थी इनकी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई थी आफ्टर गिविंग द बर्थ, तो उसके बाद से इनकी जो मौसी थी, इनकी जो आंट थी, उन्होंने इनका पूरा का पूरा जो भी अपब्रिंगिंग करना है वो उन्होंने किया था। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। हालांकि बाद में इनकी शुद्धोधन के साथ में शादी वगैरह भी हो जाती है, लेकिन हमें इतना ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। इनकी एक और बेटी होती है, इनकी एक डॉटर होती है, डॉटर का नाम होता है नंदा। दिस इज नंदा, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध है, इनकी शादी हो गई थी यशोधरा के साथ में, और इनका जो सन, इनके जो लड़के पैदा हुए थे अल्टीमेटली वो राहुल हुए थे। यशोधरा का भी देखिए कई सारे नाम है, स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। जैसे इनका नाम बिंब भी बोला जाता है, गोपा भी बोला जाता है, और भद्रकक्ष भी बोला जाता है। तो इनके अलग अलग नाम है, ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी में है, कपिलवस्तु में है, और ये बेसिकली पूर्णिमा के दिन में, फुल मून डे में, विशाख मास में ये पैदा हुए थे। हालांकि अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीसीएस ओनली, सिविल सर्विसेज में ऐसा इतना डिटेल और इतने फैक्चुअल डिटेल्स नहीं आती हैं। अगर हम लोग बात किया जाए टुवर्ड्स रिनाउंसिएशन, तो आपने बहुत ज्यादा एक स्टोरी सुनी होगी चन्ना के बारे में। तो जो चन्ना था बेसिकली वो चरियॉट था जो कि इनकी रथ को चलाता था। तो इनके दो नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इनका जो घोड़ा था, इनका जो हॉर्स था, उसका नाम था कंठक। तो कंठक इसका नाम था, घोड़े का नाम था, और जो इनके चरियॉट थे मतलब कि जो बेसिकली रथ को चलाते थे उसका नाम था चन्ना। तो चन्ना जो है वो बेसिकली इस इनको लेकर के जा रहा था, घूम रहा था, और अल्टीमेटली यहां पर उन्होंने चार तरीके के लोगों को देखा था। एक जो बेसिकली एक ओल्ड एज का मैन था जो सफर कर रहा था बीमारी से, किसी तड़प रहा था। दूसरा जो किसी कह लीजिए कि जो होता है बीमारी से तड़प रहा था, एक तो ओल्ड एज से तड़प रहा था मतलब कि जो ओल्ड एज का बंदा था, दूसरा जो बीमारी से तड़प रहा था, और तीसरा इन्होंने डेड बॉडी देखा था, और अल्टीमेटली लास्ट में एक सेंट को देखा था जो बेसिकली जो होता है हैप्पीनेस से एक अपना कह लीजिए उसका जो चेहरा था वो चमकीला था, चेहरा जो है वो मुस्कुरा रहा था। तो इस तरीके के फोर बॉडीज को इन्होंने देखा, तो उन्होंने जो है फिर चन्ना से पूछा बताया, तो इस तरह से उनको एक जानकारी हुई कि बेसिकली द लाइफ इज नॉट अबाउट द यंगर वन ओनली, लाइफ इज ऑल अबाउट डिफरेंट फेजेज, और अलग अलग फेज में जाकर के लाइफ की कंडीशन भी अलग अलग तरीके की हो जाती है, अलग अलग तरीके से निकल करके आ जाता है। इन सारी जानकारी के बाद में फिर अल्टीमेटली बुद्ध को, बुद्ध का मतलब कि उस समय इनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ बेसिकली जो होता है ये इस पूरे के पूरे जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको लेने के लिए फिर अल्टीमेटली घर से निकल पड़ते हैं 29 ईयर्स की एज में। 29 साल की एज में ये निकल जाते हैं। 29 साल की एज में निकलने के बाद जो मतलब निकलते हैं, तो इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। दिस इज महाभिनिष्क्रमण, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, कंटिन्यूअसली बताते जाऊंगा मैं क्या क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण जो होता है ये बोला जाता है जब ये पहली बार घर से बाहर निकल गए थे, मतलब कि इस पूरे के पूरे अपने राज्य को छोड़ करके, अपने जो भी किंगडम है उसको छोड़ करके निकल गए थे। निकलने के बाद ये बेसिकली जाते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टीचर के पास में, फर्स्ट गुरु के पास में, जिनका नाम है आलार कलम। दिस इज आलार कलम। ये आलार कलम जो रहते हैं वो सांख्य फिलॉसफी के रहते हैं। दिस इज सांख्य फिलॉसफी के ये रहते हैं, और इस फिलॉसफी मतलब यहां पर जो होता है बेसिकली ये रहते हैं, जो भी इनकी टीचिंग्स है उसको लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको जो उनके क्वेश्चंस के आंसर है वो मिलते नहीं है। तो उसके बाद से ये फिर दूसरे टीचर के पास जाते हैं, सेकेंड टीचर। जो सेकेंड टीचर रहते हैं उनका नाम रहता है, क्या नाम रहता है उनका, उनका नाम रहता है उद्दक रामपुत्र। तो दिस इज उद्दक रामपुत्र। तो रामपुत्र यहां पर बेसिकली इनके पास भी रहते हैं, और यहां से ये योग के बारे में, अकिंच न्यायतन के बारे में, और नैव संज्ञायतन के बारे में अगेन जानकारी लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं होते, और अल्टीमेटली यहां से भी वो चले जाते हैं। यहां से चले जाने के बाद फिर वो अल्टीमेटली गया में जाते हैं, और गया में भी उस समय जो नाम रहता है गया का वो उरुवेला। और गया में जाने के बाद फिर अल्टीमेटली वहां पर अपनी जो भी पीपल का प्रेच या फिर जिसको बोलते हैं बोधी ट्री, बोधी ट्री के नीचे फिर अल्टीमेटली वहां पर अपनी जो भी तपस्या वगैरह करते हैं, और अल्टीमेटली इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहां पर ये सरमन हो जाते हैं। यहां से फिर अल्टीमेटली तुरंत ये अपनी फर्स्ट सरमन, हालांकि दिस इज नॉट द कह लीजिए ऑफिशियल,
लेकिन यहां पर इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो बेसिकली यहां पर दो बंजारे थे, दो कह लीजिए जो भी घूमने वाले लोग थे चरवाहे, उनको दिया गया था और उनका नाम था तपस्सु और मल्लिक। दिस इज तपस्सु एंड मल्लिक। इन दो लोगों को बेसिकली पहला सरमन दिया गया था, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था। जो इन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल सरमन दिया था वो बेसिकली सारनाथ में दिया था, और उस समय सारनाथ का नाम बोला जाता था, क्या बोला जाता था, दिस वॉज द ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम। इनफैक्ट आप लोगों ने जब मैंने मौर्यास के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था अशोक के भी बारे में। अशोक के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने ऋषि पत्तनम को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। टैक्स फ्री करने का मतलब कि लुम्बिनी में, एक तो लुम्बिनी को किया गया था और लुम्बिनी के अलावा ऋषि पत्तनम पर भी इन्होंने मतलब कह लीजिए कि विजिट प्लान की थी अपनी, ये गए थे यहाँ पर ऋषि पत्तनम में गए थे। लुम्बिनी को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। टैक्स फ्री करने का मतलब कि यहाँ के जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो खैर ये चीजें थी जो बेसिकली आपको जानकारी होगी। अच्छा एक और चीज यहाँ पर कि इनको जो ये नॉलेज हुई थी, जो बेसिकली ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो गया में निरंजना नदी, एक है निरंजना नदी, इसके किनारे। देखिए ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेटर पार्ट ऑफ द स्लाइड्स में ये सारा कुछ मेंशन किया गया है, तो आपको ऐसा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इनके जो टीचर्स थे अलार कलाम और उद्धारक रामपुत्र थे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। जो अलार कलाम थे ये बेसिकली सांख्य फिलॉसफी के थे, दिस इज सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी के लिए एक और नाम आपने याद किया होगा, दैट इज द कपिल मुनि। कपिल मुनि इनका भी नाम आप लोगों ने याद किया होगा। उद्धारक रामपुत्र ये बेसिकली योगा के सिखाए थे, योगा के टीचर थे। इसके अलावा अकिंच किंच न्यायतन, दिस इज अकिंच न्यायतन। देखिए ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपके सिविल्स में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नव संज्ञा यतन, तो ये बेसिकली जो टीचिंग्स है इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स, केवल ये वर्ड्स याद रखिएगा और कुछ नहीं है। एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 33 अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला, उरुवेला का मतलब वही बोध गया जिसका नाम उरुवेला है। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर निरंजना, निरंजना को आज की डेट में फाल्गु रिवर भी बोला जाता है। जैसे हम लोग बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सेम वैसे ही जैनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। यहां पर भी उनको, जैन महावीर को भी ये एनलाइटनमेंट हुई थी, और इनके भी हम लोग सारे जितने भी जहां पर मिला है इनको ज्ञान, इनकी एनलाइटनमेंट हुई है जिस नदी के किनारे हुए, तो बात करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी आप लोग बुद्धिज्म पे फोकस करिए। इन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया था वो बेसिकली सारनाथ में दिया था। सारनाथ का ही दूसरा नाम ऋषि पत्तनम, या फिर तीसरा नाम इनका डियर पार्क भी बोलते हैं। डियर पार्क का मतलब यहां पर एक्चुअली है क्या कि बौद्ध लिटरेचर्स में सारनाथ को एक कह लीजिए कि जो डियर होता है मृग, मृग के चित्र के रूप में दिखाया गया है, मतलब कि डियर पिक्चर के रूप में दिखाया गया, और इसी वजह से सारनाथ को भी डियर पार्क के रूप में दूसरे नामों से जाना जाता है। ऑन द धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन इस पूरे के पूरे इवेंट का नाम दिया गया। तो हम लोगों ने एक देखा महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण हम लोगों ने देखा है जब ये बाहर निकले थे, मतलब कि अपने घोड़े से निकल गए थे बाहर, जो भी इनलाइटनमेंट के चक्कर में अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में। दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन, जहां पर इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया हुआ है, किसको दिया है, 5 डिसिपल्स को दिया है इंक्लूडिंग महाकश्यप। ये जो महाकश्यप है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे जाकर के फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ये कह लीजिए कि लीडरशिप में रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके जो डिसिपल्स थे वो 5 डिसिपल में कौन कौन से हैं, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनके जो फेवरेट डिसिपल्स थे, जो हमारे बुद्धिस्ट बुद्ध के फेवरेट थे, उनका नाम था, एक का नाम था आनंद और दूसरे का नाम था उपाली, दिस इज आनंद एंड उपाली। इन दोनों का नाम अगेन याद रखिएगा आप लोग। आगे अगर बात किया जाए तो कुछ ग्रेट इवेंट्स हैं जिसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, बिकॉज ये अगेन स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ग्रेट इवेंट्स और उसके सिंबल्स में, तो इनका जो डिसेंट हुआ था या कंसेप्शन हुआ था, या जिसको बोलते हैं अवक्रांति, वो व्हाइट एलिफेंट में देखा जाता है, व्हाइट एलिफेंट के रूप में दिखाया जाता है। मतलब इनका एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज द बर्थ, ठीक है। और बर्थ में अगेन, जो बर्थ का मतलब, अच्छा दिस इज नॉट द बर्थ एक्चुअली, दिस इज कंसेप्शन, मतलब कि पेट में जब रहते हैं तब की बात होती है, तो उसको दिखाया जाता है व्हाइट एलिफेंट से।
बर्थ को दिखाया जाता है लोटस से या फिर बुल से। तो लोटस इज द मतलब कुछ बुक्स में आपको लोटस मिलेगा, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। इसके बाद महाभिनिश्रमण मतलब कि घर से जो बाहर निकल गए थे, इसको दिखाया जाता है घोड़े से। अब घोड़े से ही ना आदमी बाहर जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि घोड़े से। इसके अलावा निर्वाण या फिर संबोधि या इनलाइटनमेंट जिसको बोला जाता है, वो दिखाया जाता है बोधि ट्री से। संबोधि का मतलब हो गया किसी को संबोधन करना, मतलब कि उसे सरमन देना। तीसरा जो है नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट सरमन जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, ये दिखाया जाता है एक व्हील से। और लास्टली महापरिनिर्वाण मतलब पासिंग अवे, मतलब कि जब इनकी डेथ हो गई थी तो उसको दिखाया जाता है स्तूप से। और इसीलिए हर जगह पे स्तूप बनाए जाते हैं और अल्टीमेटली वहां पर जो भी उसकी कह लीजिए कि मेन सेक्रेट प्लेस होती है, वहां पर मान लिया जाता है कि दिस इज द रिलिक्स ऑफ द बुद्धिस्ट, जो भी बुद्ध है वहां के रिलिक्स रखे जाते हैं वहां पर। अगर हम लोग आगे बात किया जाए अब इनके डॉक्ट्रिन्स के बारे में, आखिर में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इनकी फिलॉसफीज हैं, इनके कौन कौन से बाकी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने के लिए जरूरी है, एंड दैट इज द कि कहां कहां पर इन्होंने सरमंस दिए हुए हैं। तो कहां कहां पर इन्होंने सरमंस दिए हैं उसके बारे में अगर बात किया जाए, तो फर्स्ट आपको पता ही है सारनाथ में दिया गया था। तो सारनाथ या जिसका नाम हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऋषिपत्नम या फिर डियर पार्क। दूसरा इसके बाद जो दिया गया था वो उरुवेला में दिया गया था, उरुवेला। तीसरा जो दिया गया था वो दिया गया था राजगृह में, दिस इज राजगृह। और अल्टीमेटली फिर कपिल वस्तु में, दिस इज कपिल वस्तु। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है, ये ध्यान से समझिएगा, ये है जहां पर सरमंस दिए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा सरमंस दिए गए, मतलब सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए गए हैं, वो दिए गए हैं श्रावस्ती में, दिस इज श्रावस्ती। दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि श्रावस्ती की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा कम है यूपी में अगर देखा जाए तो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि यहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इसके अलावा अगर और बाकी उपदेशों के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहले तो बता दिया गया कि आपको यहां पर श्रावस्ती में दिया गया है। श्रावस्ती के बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो वैशाली, वैशाली के बाद फिर आपका राजगृह, राजगृह के बाद फिर आपका कपिलवस्तु। तो ये जो है वो बेसिकली सीक्वेंस है जो टॉप टू बॉटम आप कह सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यही चीज क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। तो सिविल्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगेन जो होता है ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे अगर बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने जब सारनाथ में जब उपदेश दिया तो यहां पर इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल का भी कह लीजिए कि एक एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। तो दिस इज द बुद्धिस्ट काउंसिल, और यही बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली जो होता है बुद्धिज्म को आगे प्रोपेगेट करती थी, या कह लीजिए कि जो भी धर्म पर चर्चा होती है वो बेसिकली यहां पर चर्चा डिस्कशंस किया जाता था। इस चर्चा को ही नाम दिया जाता है उपोसथ। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस टर्म के भी बारे में, फिलहाल देखिए हिंदी में लिख देता हूं, दिस इज उपोसथ। उपोसथ बोला जाता है कि साथ बैठ करके जो भी उपासना करना, यानी साथ बैठ करके ही धर्म पर चर्चा करना, डिस्कशंस करना, और इससे क्या है कि नई नई चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मतलब इनफैक्ट आप लोगों ने भी देखा होगा डिस्कशन करने के बाद आपका जो माइंड है उसका काफी डेवलपमेंट हो जाता है और उसमें कई सारी नई चीजें भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगेन जो होता है डिस्कशन भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन करना है आप, इसका ध्यान हमेशा रखना है। डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली फोर नोबल ट्रुथ्स हैं। कौन कौन से वो चार नोबल ट्रुथ्स हैं जिसे आर्य सत्य भी कहा जाता है। फर्स्ट वन कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, मतलब कि पूरा संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं सब्बाम दुखम, ठीक है, दिस इज संस्कृत हियर। सेकेंड, कॉज ऑफ मिस्ट्री इज एक्सेस ऑफ डिजायर, मतलब कि इसका जो कारण है दुख है तो दुख के कारण भी, और दुख का कारण जो है वह एक्सेस ऑफ डिजायर है, मतलब इच्छा बहुत ज्यादा है। जैसे इनफैक्ट अगर बुद्धिज्म में देखा जाए तो इन्होंने कहा कि देखिए आपको अपने अंदर में, अपने कह लीजिए कि खुद में अगर किसी शांति को लेकर के आना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए किसी से भी। इनफैक्ट आप अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन अगर मेट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो ये जो होता है वो अगेन मिजरी का या फिर दुख का कारण बन जाता है। एंड दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। और यही चीज आपको अपने सिविल्स में भी करना है, आपको एक्सपेक्टेशन की बजाय आपको वर्क पे, मतलब अपने एक्शन पे ध्यान देना। एंड द सेम थिंग इज बुद्धिज्म इज सेइंग
कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए. इनफैक्ट बुद्धिज्म डज नॉट फॉलो डाइटीज, मतलब देवताओं और देवी देवताओं इन सबको फॉलो ना करके कर्म पर ये ज्यादा फोकस करता है, कर्म पर ये ज्यादा ध्यान देता है. अभी आगे बात भी करेंगे. इनफैक्ट बुद्धिज्म काफी अच्छा, मतलब मैं कहूंगा कि रिलीजन है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल. और इनफैक्ट अगर कोई भी प्रिपरेशन या कोई भी ऐसा बंदा है जिसे कोई काम करना है, कुछ मतलब सोच करके रखा हुआ है कुछ करने के लिए, देन द बेस्ट थिंग विल बी टू फॉलो द फिलोसफीज ऑफ द बुद्धिज्म. दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी द इजिएस्ट मोड फॉर यू टू अचीव दैट गोल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अच्छा, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट हियर. यहां पर लिखा हुआ है प्रतीत्य समुत्पाद. प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कि कॉज ऑफ मिजरी इज एक्सेस ऑफ डिजायर, मतलब कि हर चीज का अपना एक कारण होता है. हर चीज का कारण करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर काम हो रहा है, कोई भी चीजें हो रही है, तो वहां पर उसका एक कारण होगा और वही कारण आपको पता करना होगा. नेक्स्ट, द डिजायर कैन बी सरमाउंटेड, मतलब कि जो डिजायर है उसको सरमाउंट किया जा सकता है, पता किया जा सकता है. दैट इज द दुखा निरोध. तो दुख के निरोध मतलब दैट हैज द सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन भी हो जाता है. एंड द सोल्यूशन इज द अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ. तो दिस ये जो अष्टांगिक मार्ग है काफी इंपॉर्टेंट होता है और मैं कहूंगा कि काफी अच्छा भी है. एंड कई लोगों को ये दिक्कत भी हो जाता है, बट ऐसा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, याद करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अष्टांगिक मार्ग में, दिस इज अष्टांगिक मार्ग. यहां पर देखेंगे तो दिस इज द राइट व्यू, जिसको हिंदी में सम्यक दृष्टि बोला जाता है. तो राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन. देखिए ये तो 8 चीजें लिख दी गई हैं, बट यहां पर जो अगर कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां पर बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं. वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी है जिसको बोला जाता है सदाचार. दिस इज सदाचार, जिसको बोलते हैं गुड कंडक्ट या गुड बिहेवियर भी आप बोल सकते हैं. दिस इज गुड बिहेवियर एक्चुअली. सेकेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक तो हो गई सदाचार, दूसरा बोला जाता है शील, या फिर बोल सकते हैं इसको समाधि. दिस इज समाधि. और तीसरी जो चीज होती है उसको बोला जाता है प्रज्ञा. दिस इज प्रज्ञा. ठीक है, प्रज्ञा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. इनफैक्ट यू कैन यूज दीज टर्म्स इन एथिक्स. एथिक्स में भी आप जो है वो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं. यू हैव टू यूज द फिलोसफीज ऑफ द बुद्धिज्म इन योर एथिक्स आंसर्स आल्सो. तो यहां पर देखिए सदाचार के बारे में बात किया जाए, तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द बिहेवियर. अब बिहेवियर में क्या चीज होती है जो रिफ्लेक्ट होती है, एंड बिहेवियर रिफ्लेक्ट कैसे होती है? रिफ्लेक्ट होती है आपकी वाणी से, मतलब कि आप जो स्पीच दे रहे हैं. तो बेसिकली द राइट स्पीच एक तरीके की कंडक्ट हो गया. इसके अलावा कंडक्ट में और क्या होगा? जो आप एक्शंस ले रहे हैं, तो मतलब कि जो आपका कंडक्ट निकल के आ रहा है, दैट इज द अगेन योर बिहेवियर. जो आप काम कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं या बुरा बिहेवियर रखते हैं या कैसा बिहेवियर रखते हैं. इसके अलावा जो आपका एफर्ट, एफर्ट का मतलब तो खैर काम हो गया. अच्छा, तीसरी चीज जो होती है वो होती है कंडक्ट. कंडक्ट का मतलब हो गया एक तरीके का आचरण, या फिर कह लीजिए आजीविका जो होती है. तो ये जो तीन चीजें होती हैं, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग योर बिहेवियर. तो ये बिहेवियर से आप याद कर सकते हैं. अगर वन बाय वन करके डिस्कस करें तो देखिए बिहेवियर सबसे पहले आपने कर्म के, मतलब आपने अपने वाणी से बोला, अपने बोल करके क्या बोला वो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है बिहेवियर. आपके काम आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं. चौथा, तीसरा जो है आप किस तरीके का आचरण, किस तरीके का बिहेवियर सामने लोगों को रखना है उसको बोल सकते हैं आप अपना कि किस तरीके का बिहेवियर है. नेक्स्ट वन इज द समाधि. समाधि का मतलब होता है किसी मन को वश में रखना. मन को वश में रखने का मतलब ये हो गया कि हाउ यू कंट्रोल योर माइंड. अब आपने मन को कंट्रोल कैसे रखेंगे? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन जिसको आप मेडिटेशन भी बोल सकते हैं. तो कंसंट्रेशन करके आप अपने जो मन है, जो आपका माइंड है, उसको आप शार्प कर रहे हैं. इसके अलावा आप एक मतलब कह लीजिए कि जो होता है वो अपने आप से ही रिवीजन करना. रिवीजन करने का मतलब एक तरीके का हो गया कि आप माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस का मतलब हो गया कि आप अपने दिमाग से ही सारी चीजों को देख रहे हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और चीजों को वापस कंटिन्यूअसली इवेल्युएट कर रहे हैं. और ये अगेन कैसे करेंगे आप? वापस जब अपने माइंड को आप कंट्रोल कर लेंगे, तो वही माइंडफुलनेस. थर्ड वन इज द समाधि. समाधि का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से आपने कंट्रोल ही किया हुआ है बेसिकली. तो दिस इज बेसिकली द कंट्रोल वाली थिंग.
लास्टली आ जाती है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है कि आप मन की शुद्धि करना, प्योरिटी ऑफ द माइंड। और प्योरिटी ऑफ द माइंड कैसे आएगी? प्योरिटी ऑफ द माइंड आएगी राइट व्यू से। कैसे आप चीजों को देख रहे हैं, देखने का तरीका कैसा है, ये जो होती है वो प्योरिटी ऑफ माइंड के जरिए आता है। इसके अलावा होती है कि किस तरीके से आप चीजों को रिजॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अगेन कम्स अंडर प्रज्ञा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये पूरे जो अष्टांगिक मार्ग हैं, एट फोल्ड पाथ हैं, वो आप देख सकते हैं कि इन तीन फिलॉसफीज के अंडर में आ गई हैं। जहां पर आपने अपना बिहेवियर पे वर्क किया है, आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया है और अपने माइंड को आपने प्यूरिफाई करके रखा हुआ है। और अगेन फटाफट देख लेते हैं वापस से तीनों को, ताकि आपको याद भी हो जाए। जैसे सदाचार, सदाचार का मतलब हो गया कि कैसे अपने बिहेवियर को आपने कंट्रोल करके रखा है। तो कैसे कंट्रोल करके रखेंगे? सबसे पहले अच्छा बोल करके। इसीलिए बोला था प्यारी वाली, ऐसी वाली बोलिए, मन का आपा इस तरह से होता है ना कुछ कुछ। ओके, नेक्स्ट वन इज द किस तरीके के एक्शंस आप ले रहे हैं। तीसरा, आचरण आपका कैसा है, मतलब आपका कंडक्ट कैसा है। नेक्स्ट वन समाधि। समाधि का मतलब कि माइंड को कंट्रोल में करना। कैसे कंट्रोल में करेंगे? माइंड पे वर्क करके, मतलब कंसंट्रेशन करके। माइंडफुलनेस मतलब कि उसको याद करके, उसको इवेलुएट करके, और लास्टली उस पर समाधि लेकर के। तीसरी जो चीज है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा पे क्या हो गया कि किस तरीके से आप अपने मन को प्योरीफाई कर रहे हैं। प्योरीफाई करने के लिए आपकी जो व्यू है, आपका जो दृष्टि है, वो अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, मतलब कि राइट व्यू होना चाहिए, और लास्टली होना चाहिए राइट जो भी आपने रिजॉल्व करके रखा हुआ है, किस तरीके का आपने मतलब कंडक्ट किया, मतलब कि देखा हुआ है चीजें। तो ये बेसिकली जो होती है वो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आ जाती है सारी चीजें। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट थिंग आती है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या क्या हुई हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स को देखने के लिए अगेन, तो बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए दिस इज द टेबल। यहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये जिले कि बुद्धिस्ट काउंसिल ये बनाई कब गई थी। तो बनाई गई थी जब ये सारनाथ में थे, तो इन्होंने सारनाथ में ही एक बुद्धिस्ट काउंसिल, ये मतलब कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध को बुद्ध क्यों बोला जाता है, बताइए क्यों बुद्ध को बुद्ध बोला जाता है? तो इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ होने के बाद फिर अल्टीमेटली महात्मा हुआ। अब बुद्ध इनको बोला जाता है जब ये एनलाइटन हो गए थे, मतलब कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इनको बुद्ध बोला जाने लगा। इनफैक्ट बुद्ध के अलावा भी एक नाम था जिस तथागत या फिर बुद्ध, इन दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है आफ्टर गेटिंग द एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो गेटिंग नहीं, अचीविंग द एनलाइटनमेंट। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने बना दिया था जब ये सारनाथ में थे, तो बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने बनवा दिया। लेकिन उसके बाद से अल्टीमेटली जब इनकी डेथ होती है ऑन 483 BC, तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल बेसिकली आती है, एक तरीके से असेंबल होती है। वेन्यू क्या होता है? वेन्यू होता है इसका राजगीर, एंड दैट इज इन द सप्तकर्णी केव, सप्तकर्णी गुफा में होता है। इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं महाकश्यप, और महाकश्यप ही इनके फर्स्ट डिसिपल रहते हैं। और इस समय इनका जो पैट्रॉन रहता है वो रहता है अजात शत्रु। दिस इज अजात शत्रु। अजात शत्रु आपको पता ही है कि दिस इज द बेसिकली हर्यक डायनेस्टी। यहाँ पर हुआ क्या था? कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक, विनय पिटक, इन दोनों के बारे में हुआ था। अब इन सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल केवल ये समझ लीजिए कि सुत्त पिटक जो है वो आनंद ने लिखा हुआ है, एंड विनय पिटक जो है वो उपाली के द्वारा कंपाइल्ड किया गया है। सेकेंड जो है, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगेन है कि आखिर में इनका जो एक काउंसिल था, इस काउंसिल में या फिर इसका जो संघ था उसमें किसको किसको आने की अनुमति थी, मतलब कौन कौन ये ज्वाइन कर सकता था। तो देखिए शुरुआत में क्या था, वुमेन के बारे में ही बात कर लेते हैं और बाकी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। वुमेन के बारे में बुद्धिज्म में, मतलब बुद्ध का ये कहना था कि इनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आनंद के कहने पर आनंद ने कहा कि नहीं, वी शुड अलाउ वुमेन ऑल्सो। तो इन्होंने फिर जो होता है अलाउ कर दिया गया था, और अलाउ करने में शुरुआत में जो कुछ लोग आए थे, जैसे कि आप इनकी जो मौसी ही थी जिन्होंने इनका पूरा का पूरा अपब्रिंगिंग किया हुआ था, महाप्रजापति गौतमी, वो आई थी, यशोधरा इनकी आई थी, इनकी जो वाइफ थी, इसके अलावा नंदा आई थी, और तो कुछ ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो बेसिकली वुमेन के नाम पर इन्होंने पहले पहले ज्वाइन की थी। और इसमें फर्स्ट वन इज जो इनकी कह लीजिए कि जो होता है जो इनका अपब्रिंगिंग की थी वो थी फर्स्ट डिसिपल, फर्स्ट वुमेन डिसिपल एक तरीके से आप बोल सकते हैं। सेकंड जो काउंसिल होती है वो 383 बीसी में होती है आफ्टर 100 ईयर्स, और 100 ईयर के बाद में ये जो होती है वो वैशाली में होती है, चुलवन में होती है। और यहां पर जो बेसिकली इसके चेयरमैन थे वो सब कमी थे,
तो सबा कमी जिसको बोल सकते हैं आप, तो ये बेसिकली जो होते हैं चेयरमैन रहते हैं और काला शोक के टाइम पर ये हुआ रहता है। यहां पर एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट, एज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दिस बुद्धिज्म थी, दिस हैज डिवाइडेड इनटू स्थावीर दिन्स एंड महासंगिकास। तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी कि क्या चीज है आखिर में। थर्ड जो काउंसिल होती है 250 बीसी में होती है, और ये बेसिकली पाटलिपुत्र में करवाया जाता है, और ये बेसिकली अशोक राम विहार में होती है। यहाँ पर जो चेयरमैन रहते हैं वो मोगलिपुत्तिस रहते हैं। मोगलिपुत्तिस के बारे में हम लोग बात भी करेंगे, और इन्होंने जो है अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया था। अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था और मोगलिपुत्तिस के द्वारा ही किया गया था। इसमें बेसिकली फिलोसफीज लिखी गई है, दिस इज द फिलोसफीज, मतलब कि जो बुद्धिज्म की फिलोसफीज है उसके बारे में बताया गया। हालांकि बुद्ध ने कोई भी ऐसा फिलोसफी नहीं बोली थी, फिलोसफी के नाम पे केवल और केवल इन्होंने जो एक्शंस हैं, जो कंडक्ट है बेसिकली वही बोला था, दिस इज द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। बट लेटर ऑन बहुत सारी चीजें ऐड होती जाती हैं, जैसे होता ये है कि जब कोई भी पुरुष या महापुरुष रहते हैं वो अपने पहले केवल और केवल अपनी बातों को बताते हैं, जिसको सर्मन्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब समय बीत जाता है तो फिर पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, जो भी फॉलोअर्स होते हैं फॉलोअर्स के द्वारा पॉलिटिसाइजेशन कर दिया जाता है, और बुद्ध को फिर अलग अलग तरीके से मानना शुरू हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले उनको महापुरुष मतलब एज इट इज एट इट वॉज था उसी तरीके से मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, वी नीड टू मेक सम चेंजेस हियर। तो यहां पर लोग जो है उनको फिर देवता डाइटी बना देते हैं, उनका मूर्ति बनाना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट इन इंडिया द फर्स्ट स्टैच्यू दैट वॉज मेड वॉज ऑफ बुद्ध, सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई थी, उसके बाद में बाकी जितने भी देवी देवता जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की मूर्तियां बाद में बनाई गई थी। लेकिन वेद डजंट से एनीथिंग अबाउट वॉट, एनीथिंग अबाउट अवतारवाद, तो अवतारवाद के बारे में कुछ नहीं बताता है। इनफैक्ट तो जो अवतारवाद की जो कहानी है वो गुप्ता पीरियड से इनफैक्ट स्टार्ट होती है, बाद में फिर जो होता है तरह तरह के भगवान भी आ गए थे, तो ये चीजें थी। फोर्थ जो काउंसिल है वो बेसिकली 98 एडी, कुछ जगहों पे 98 एडी लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 100 एडी लिखा है, कुछ जगहों पे 102 एडी लिखा हुआ है, तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज ये सारा का सारा एक ही टाइम पीरियड है। तो ये बेसिकली जो है कुंडल वन में करवाया गया था, दैट इज इन कश्मीर, और ये करवाया गया था कनिष्क के द्वारा। यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो वासुमित्र थे, और जो चेयर मतलब कि वॉइस चेयर किया गया था वो अश्वघोष के द्वारा किया गया था। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं बुद्धिज्म में। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर कंपाइलेशन ऑफ महाविभत्स सहस्त्र ये हुआ था। पहले तो कंपाइलेशन इसकी ये बुक है, मतलब ये बोल सकते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बुद्धिज्म। एंड यहां पर जो है बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था हीनयान और महायान में। अभी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे, हीनयान और महायान के बारे में कि आखिर में क्या चीजें हुई थी। जरा संघ के बारे में बात कर लेते हैं, जो बुद्धिस्ट संघ बेसिकली स्टार्ट की गई थी बुद्ध के द्वारा ही, गौतम बुद्ध के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। यहां पर सीन ये है कि थ्री लेवल ऑफ थ्री जिम्स बोला जाता है बुद्धिज्म में। वन इज द बुद्धा इटसेल्फ, दूसरा धम्म या जिसको धर्म भी बोल सकते हैं, थर्ड वन इज द संघ। तो ये बेसिकली तीन जो है वो जेम्स है, तीन जो है वो ज्वेल्स है। ओल्डेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड हिस्ट्री आप बोल सकते हैं कि ये संघ को बोला जाता है। यहाँ पर जो स्लेव्स हैं, इंसॉल्वेंट्स हैं और डिसीज्ड जो है वो अलाउ नहीं किए गए थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसके अलावा मील्स जो है वो केवल और केवल एक समय एक बार ही दिया जाता था। मॉन्क्स रेस्टेड ओनली इन द रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन में कहीं जा नहीं सकते थे, और इस वजह से फिर वही जो विहार का कंसेप्ट है वो सामने आया था। दे नॉट टू कमिट 64 टाइप ऑफ क्राइम कॉल्ड पथी मोक्ष। तो ये बेसिकली पथी मोक्ष जो है वो 64 टाइप के क्राइम्स थे जिसको ये करने से मना करते थे, लेकिन इन केस अगर वो क्राइम कर दिया जाता है तो इसके लिए एक ब्रह्म दंड संघ होती थी। दिस इज द ब्रह्म, दिस इज ब्रह्म दंड संघ। तो ये बेसिकली ब्रह्म दंड संघ होती थी जो बेसिकली इस पूरे के पूरे क्राइम को इवैल्यूएट करती थी, देखती थी, और अपने हिसाब से फिर अपना एक डिसीजन पास करती थी कि आखिर में क्या करना होगा इस तरीके के क्राइम के लिए। मॉन्क्स हैड इनका जो कपड़ा वपड़ा होता था वो येलो रोब होती थी, नीडल होता था, एक पियर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग होती थी, एंड बेगिंग बाउल होती थी, जो बेसिकली बोधिसत्व का एक रूप आप बोल सकते हैं। अब बोधिसत्व के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर में जो बोधिसत्व की कहानी वो क्या है। बोधिसत्व की जो कहानी होती है कि इट इज अ पर्सन हु इज ऑन द पाथ टुवर्ड्स द बुद्धहुड, मतलब कि जो
एक तरीके से एनलाइटनमेंट के लिए काम किया जाता है वो बेसिकली बोधिसत्व ही होते हैं. इट इज सिमिलर टू द कंसेप्शन ऑफ इनकार्नेशन इन द हिंदू माइथोलॉजी. आगे अगर बात किया जाए तो दिस इज द होल थिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ बोधिसत्व. तो बोधिसत्व को भी अलग अलग तरीके से जाना जाता है. इनफैक्ट बोधिसत्व की ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो महायान में है. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा, महायान में बोधिसत्व की ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और यहां पर अलग अलग तरीके के कह लीजिए बोधिसत्व को नाम दिया गया है. जैसे एक है जिसको वज्रपाणी बोला गया है. तो जो वज्रपाणी है वो बेसिकली एक तरीके के बहुत ही कठोर बोधिसत्व आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इट इज अ बोधिसत्व लाइक इंद्र विच होल्ड्स थंडरबोल्ट. तो ये बेसिकली जो होता है इस तरीके के बोधिसत्व को बोला जाता है वज्रपाणी. इसके अलावा अवलोकितेश्वर बोला जाता है जो पदम पाणी काइंड हार्टेड. इनफैक्ट अवलोकितेश्वर बोला जाता है उनको भी, जो काफी इंटेलिजेंट बोधिसत्व होते हैं उनको भी अवलोकितेश्वर बोला जाता है. मंजुश्री बोला जाता है कि दिस इज अ सिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए होल्ड बुक डिस्क्राइबिंग 10 पैरामिताज. तो यहां पर देखिए आधी चीजें लिखी गई, आधा सीन ये है कि इन्होंने क्या है कि टू फेसेस दिखाया गया. टू फेसेस का मतलब हो गया कि एक हाथ में किताब है, दूसरे हाथ में कह लीजिए कि खड़क. खड़क का मतलब हो गया एक तरीके का वेपन रखा गया है कि हाँ ठीक है, अगर कोई बुरी चीज आएगी तो उसको मार देंगे, अदरवाइज वी हैव अ बुक एंड वी हैव टू स्प्रेड द बुद्धिज्म. तो ये बेसिकली मंजुश्री बोधिसत्व कहे जाते हैं. इसके अलावा मैत्रेय बोधिसत्व, ये देखिए 2019 में एक क्वेश्चन भी शायद पूछा गया था प्रिलिम्स में मैत्रेय से रिलेटेड. दिस इज द फ्यूचर बुद्धा. और इनफैक्ट वहां पर पूछा भी गया था कि मैत्रेय वॉज अ टर्म रिसेंटली इन न्यूज एंड किससे रिलेटेड है ये. तो ये बेसिकली फ्यूचर बुद्धा थे, यही एक क्वेश्चन आया हुआ था. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. इनफैक्ट यू कैन रेफर दिस टेबल फॉर योर नेक्स्ट प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. इंपॉर्टेंट, इस वजह से ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. यही वो कुछ अनटच्ड पोर्शन है जहां से यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पिक कर रही है. आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट इज द शितिगृहा. शितिगृहा जो है दिस इज द गार्जियन ऑफ परग्रेटर्स. तो ये बेसिकली शितिग्रह बोला जाता था. नेक्स्ट वन इज द अमिताभ या फिर अमितायुषा. तो ये जो होता है बुद्धा ऑफ हेवन, इनको बोला जाता है अमिताभ. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व के अलग अलग टाइप्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है. अच्छा, इसके अलावा जो होता है कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. उससे पहले बात कर लेते हैं जरा महायान और हीनयान के बारे में कि आखिर में इन दोनों का डिफरेंस क्या है. अच्छा, इस डिफरेंस से पहले जरा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि ये लिखा नहीं है तो यहीं पर लिख लेते हैं. फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में अगर देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि बुद्धा ने कोई सच फिलॉसफी नहीं दी है. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर और डिस्कस कर लिया जाए कि कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि रीबर्थ के बारे में बताया गया है. तो बुद्धा वॉज अ बिलीवर ऑफ रीबर्थ. एक्चुअली नो, ये अवतारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, अवतारवाद के ये अगेंस्ट थे. तो इन्होंने रीबर्थ बताया जरूर है, लेकिन कंसाइंस का रीबर्थ बताया है, बॉडी का नहीं. कंसाइंस मतलब होती है चेतना, मतलब कि जब आप एनलाइटन हो जाएंगे तो आप एक न्यू बर्थ उसको बोला जाता है कि आप नई बर्थ ले लिया है, और इस वजह से ही इसको बोला जाता है कि वापस से रीबर्थ हुई है. तो ये बेसिकली कंसाइंस की रीबर्थ के बारे में बात करते हैं, कभी भी ये बॉडी रीबर्थ या आत्मा रीबर्थ वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं. लेकिन हालांकि बाद में डिवीजन हो गया था, महायान वाले रीबर्थ वगैरह के बारे में बात करने लगे थे, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. बट दिस इज द मेन थिंग हियर, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इन सम बुक्स यू मे हैव दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि एक्चुअल में बुद्धा किसके फॉलोअर, मतलब क्या मानते थे. बुद्धा ने कोई भी ऐसा अपनी खुद की फिलॉसफी नहीं दी थी, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इन्होंने फिलॉसफी के नाम पे बोला था कि जो एक्शंस बेसिकली होते हैं या फिर जो कंडक्ट होता है, यही जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि किस तरीके का आप जो होता है आगे फॉलोअर बनेंगे, मतलब कि बुद्धिज्म फॉलो करना है या नहीं करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस. तो ये चीज होती है इनके मेन फिलॉसफी के बारे में. यहां पर इन्होंने तीन चीजों के बारे में बताया. वन इन्होंने बताया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, दैट इज द प्रतीत्य समुत्पाद. दिस इज प्रतीत्य समुत्पाद, अभी हम लोगों ने पुराना भी देखा हुआ था, जहां पर दुख है, दुख का कारण है, इसके बारे में बात किया था. वहां पर मैंने बताया था कि हर एक चीज का अपना एक कारण होता है, तो इसको बोला जाता है कारणवाद. या प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ये होता है कि हर एक चीज का अपना एक रीजन है, यू हैव टू मेक सम लॉजिक्स, और वो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर में इसका रीजन क्या है. रीजन निकाल लेंगे अगर तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा. सेकंड जो बोला गया है वो बोला गया है
कि टेम्पररीनेस, दिस इज टेम्पररीनेस. टेम्पररीनेस का मतलब हो गया कि नथिंग इज परमानेंट. तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज टेम्पररी है, तो आपको किसी भी चीज से ऐसा लगाव नहीं होना चाहिए. तीसरी जो चीज बोली गई है वो अनिश्वर, मतलब कि एक तरीके से जो कह लीजिए कि जो डाइटीज हैं उनमें विश्वास नहीं रखना है. तो डाइटीज में ये बेसिकली विश्वास नहीं रखते थे, और ये बेसिकली डाइटीज की जगह पर ये एक्शंस या फिर कंडक्ट को, कर्म को ही ये पूरी बातें बोलते थे कि कर्म ही जो है सो है, इसके अलावा कोई और भी चीज नहीं है. समझ में आ गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली जो होता है कर्म प्रधान, आप बोल सकते हैं कि एक्शन ड्रिवन एक तरीके का ये पूरा का पूरा रिलीजन है. अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं बुद्धिज्म में अलग अलग सेक्ट के बारे में. दिस इज द हीन यान एंड महायान, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी. इसमें कब हुई थी? 100 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में. यहां पर जो अब आप देख भी सकते हैं कि मतलब 483 BC से नियर अबाउट 500 ईयर के बाद लोगों के मन में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई कि एक जो प्योरिटी ऑफ द रिलीजन है उसी को फॉलो करते थे. लाइक इन हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं, दैट इज द प्योरेस्ट ऑफ द हिंदुइज्म, आप बोल सकते हैं. हिंदुइज्म एक्चुअली, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है बेसिकली. और वो प्योरिटी वेदाज में है ऐसा बाकी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं नहीं कि हमें मूर्ति पूजा करनी है, स्टैच्यू की पूजा करनी है, तो इसमें बिलीवर हो जाते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग तरीका का डिविजन है इन द हिंदुइज्म ऑल्सो. हिंदुइज्म में बल्कि इनफैक्ट बहुत डिफरेंट टाइप के सेक्ट्स हैं. इनफैक्ट बुक्स में मिलता है कि 62 टाइप ऑफ सेक्ट्स जो है हिंदू में भी होते हैं. तो कई तरीके का डिवीजन है, हम बात करेंगे हम लोग जब आगे बढ़ते आएंगे तो इस तरीके से. तो यहां पर जो है सिमिलरली अलग अलग तरीके का डिवीजन हुआ. समय बीता, समय बीतने के बाद लोगों के जो फॉलोअर्स जो है, फॉलोअर्स के अलग अलग माइंडसेट होते हैं, और माइंडसेट होने के कारण से दो तरीके से डिवीजन हो गया. इसमें जो महायान सेक्ट थी वो ये जो बुद्ध है उनको गॉड मानती थी, उनको डाइटी मानती थी, जबकि हीन यान के लोग मानते थे कि वो एक तरीके के सुपर नेचुरल मैन है. मतलब कि वो गॉड नहीं है, वो एक मैन ही है, लेकिन वो महापुरुष है. मतलब कि वो जो है वो ग्रेट प्ले, ग्रेट मैन है. यहां पर जो ऑब्वियसली गॉड के बारे में बात करेंगे तो रिबर्थ के बारे में ये बात करेंगे कि ये बिलीवर दैट बुद्ध विल बी बॉर्न अगेन. इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत हो जाती है क्योंकि बाद में डेवलप होती है. इनफैक्ट दे वॉर्शिप बुद्ध, बुद्ध इन द आइडल फॉर्म, मतलब कि स्टैच्यू फॉर्मेट में ये फॉर्म कर लेते हैं. इनफैक्ट फर्स्ट स्टैच्यू भी बुद्ध की ही बनाई गई थी इंडिया में अगर बात किया जाए तो. तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहली मूर्ति किसकी बनाई गई थी, तो आप बता देंगे बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी. इनफैक्ट फिर बाकी बहुत तरीके से जैसे मथुरा आर्ट हो जाती है, गांधार आर्ट हो जाती है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे. बाकी दे कंसीडर्ड ग्रेट व्हीकल एंड महायान्स इंपॉर्टेंट स्कूल चित्त मंत्र एंड महामाया का. अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग. यहां पर हम लोगों ने बात कर लिया कि ये जो होता है एक तरीके का जहां पर बुद्ध को जो होता है वो गॉड बना दिया गया था, अवतारवाद में विश्वास कर लिया गया था, रीबर्थ में विश्वास कर लिया गया था. इनकी जो एपिक है, मतलब कि इनकी जो सेक्रेट बुक है, एपिक है, उसका नाम है ललित विस्तार. दिस इज ललित विस्तार, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, ललित विस्तार है. और इनका जो कह लीजिए कि एक तरीके से सेक्रेट सेक्रेट स्टैच्यू जो है वो बोधिसत्व का है, और संस्कृत लैंग्वेज तो है ही, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है. ये जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है. वन जिसको बोलते हैं माध्यमिक, मतलब कि मीडियम पाथ, ठीक है, जिसको माध्यमिक, मैं हिंदी में लिख देता हूं माध्यमिक वाद, जिसको कि मिडिल पाथ भी बोला जाता है, दिस इज द मिडिल पाथ. एंड सेकेंड इज द योगाचार, या फिर जिसको साइंटिफिक रिलीजन, साइंटिफिक लॉजिक बोल सकते हैं, या जिसको बोला जाता है विज्ञानवाद, दिस इज विज्ञानवाद, ठीक है. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है. विज्ञानवाद को ही योगाचार भी बोला जाता है, योगाचार, ठीक है. माध्यमवाद को भी शून्यवाद भी बोला जाता है, जीरो, शून्यवाद. इसके जो फॉलोवर थे वो चार, फोर डिसिपल्स थे, या कह लीजिए कि फोर फॉलोवर्स हैं, और चारों का नाम आपको याद रखना है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स. यहां पे जो चार लोग हैं उनका नाम है धर्मत्रात, दिस इज धर्म, धर्मा त्रात, ये सब लिखा नहीं हुआ स्लाइड में इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा. दूसरे जो थे वो घोषक, दिस इज घोषक. थर्ड वन इज वासुमित्र, दिस इज वासुमित्र. एंड द फोर्थ वन इज द बुद्ध देव, दिस इज बुद्ध देव,
तो आप किसी तरीके से न्यूमोनिक्स बना करके या किसी भी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। जैसे बुद्ध धर्म वासुमित्र घोष, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो चारों का नाम याद हो जाएगा। याद रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर बात किया जाए जो विज्ञानवाद है, जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ द रिलीजन है, वहां पर तीन लोग इंपॉर्टेंट है। एंड वन सेकेंड, दिस इज नॉट करेक्ट। जो माध्यमिकवाद है, ये चार लोग जो है वो डिफरेंट है, ये मत याद करिएगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहां पर जो है नागार्जुन फॉलोअर है, दिस इज नागार्जुना, ये जो है नागार्जुन फॉलोअर है। और जो विज्ञानवाद है जिसको योगाचार भी बोला जाता है, यहां पर तीन लोग हैं, एक का नाम है मैत्रक, मैत्रक, दूसरे का नाम है असंग, दिस इज असंग, एंड लास्ट वन वसु बंधु, दिस इज वसु बंधु। क्लियर हो गया। यहां पर अगर हीनयान के बारे में बात किया जाए, तो हीनयान जो होता है वो अगेन प्योरिटी ऑफ द रिलीजन जो थी उसी के बारे में बात की जाती थी, लाइक बुद्धा विल नेवर बी रिबॉर्न, जो लैंग्वेज थी वो पाली लैंग्वेज थी, बुद्धा वॉज एन इंटेलेक्चुअल नॉट गॉड, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहां पर दोनों में यही डिवीजन हो गया था, दे कंसिडर्ड लेसर व्हीकल। एंड हीनयान इनकम्पासेस 18 स्कूल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पसेस आर सर्वष्टिवाद और थेरावाद। इनफैक्ट ये देखिए, ये जो है डिफरेंट स्कूल्स हैं, और यहां पर अगेन डिवीजन है। यहां पर जो डिवीजन है इसको बुलाता है वैभाषिक, दिस इज वैभाषिक। और जो दूसरा है, जैसे सेम यहां पर माध्यमिकवाद और विज्ञानवाद है, सेम वैसे यहां पर भी डिवीजन है वैभाषिक, और दूसरा सौत्रांतिक, दिस इज सौत्रांतिक। क्लियर हो गया। सौत्रांतिक के जो फॉलोअर थे उनका नाम था कुमार लाल, ये कुमार लाल है जो फॉलोअर है, केवल और केवल आपको देखिए नाम याद करना है। और यहां पर इनके हैं ये फोर फॉलोअर्स, ये फोर फॉलोअर जो यहां पर लिखे गए हैं वो बेसिकली वैभाषिक हीनयान के हैं। कौन कौन से फोर हैं? एक तो जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, धर्मत्रात, सेकेंड घोषक, थर्ड वन वासुमित्र, और लास्ट वन इज द बुद्धदेव। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आगे बता दिया गया है, ताकि एग्जाम में, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जनरली क्या होते हैं कि आप सरफेशियल पढ़ के जाते हैं और उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफी डिटेल पूछा जाता है, तो अगेन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। इसके बाद से काफी बाद में जाकर के, मतलब इन द 18th सेंचुरी जाकर के नया एक और सेक्ट बनता है, दैट इज द वज्रयान। ये 8वीं शताब्दी में होता है, 8th सेंचुरी में आती है। द फॉलोअर बिलीव दैट सेलिब्रेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर। तो मैजिकल पावर की यहां पर थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। ये बेसिकली तिब्बत में डेवलप हुई थी, एंड दिस सेक्ट बिलीव इन द वर्शिप ऑफ फीमेल डाइटीज। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा तारा देवी का नाम, या फिर आप कभी गूगल भी करिएगा तारा देवी के बारे में, अगर आप देखेंगे तो ये एक फीमेल डाइटी है जो बेसिकली हिंदुइज्म और वज्रयान, मतलब कि बुद्धिज्म, दोनों में ही फॉलोअर होती है। इनफैक्ट कभी आप अगर हिमाचल वगैरह में गए हो या लद्दाख वगैरह में गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा एक घुंडी होती है। घुंडी का मतलब होता है कि एक लोहे का बड़ा सा एक दिस इज व्हील होती है जिसको घुमाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसको घुमाने से आपके जो भी आपने पाप किए हैं या जो कुछ भी किया है वो बेसिकली खत्म होते जाता है, एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड होती जाती है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो लामाज है वो हाथ में लेकर के एक घुमाने के लिए होता है, वो घुमाया जाता है बेसिकली, तो ये वही चीज है। और ये जो घुमाने वाली जो चीज है वो बेसिकली इसी तारा देवी, मतलब फीमेल डाइटी से ही चीजें निकल के आती है, और ये जो वज्रयान है बेसिकली यही ये काम करते हैं, और ये तिब्बत में ही डेवलप किया गया था। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको विद द टाइम चीजें पता लगती रहेंगी। आपको चीजें जो होती हैं वो जरूरी थोड़ी ना है कि आप यूपीएससी के लिए ही बुद्धिज्म पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, चीजों को देखेंगे, तो आपको फील भी आएगी और आपको एक क्यूरियोसिटी आएगी, चलो भाई इसके बारे में भी क्या होता है। इनफैक्ट जैसे तारा देवी है, तारा देवी को दूसरा जो बोला जाता है वो तोतला देवी बोला जाता है, मतलब ये तुतला करके बोलती हैं, तो इस वजह से इनको तोतला देवी भी बोला जाता है। तो अगेन जो होता है जब आप किसी टेम्पल वगैरह में विजिट करेंगे इस तरीके के वज्रयान के, तो वहां पर ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। यू विल नॉट गेट ऑल दीज इन योर बुक्स, ये बुक्स में नहीं होता है, ये सब जो है प्रैक्टिकल टाइप की चीजें हैं। द चीफ डिविनिटी ऑफ दिस न्यू सेक्ट वर द तारास, तो यही वही तारा देवी हैं जो तारास के नाम से जाने जाते हैं। दे बिकम पॉपुलर इन द ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। लास्टली अगर बात किया जाए
इस पूरे के पूरे सेक्ट के बाद में, तो यहां पर आता है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म कि आखिर में डिक्लाइन कैसे हुआ। तो डिक्लाइन के पीछे तो देखिए कई सारे कारण हैं। इनफैक्ट अगर आप एंशिएंट इंडिया अच्छे से पढ़े होंगे तो आप खुद ही कारण बता सकते हैं। जैसे पहला कि इस्लामिक इन्वेजन हो गया था, इस्लामिक इन्वेजन के कारण से जो इब्राहिम कह लीजिए कि जो बख्तियार खिलजी था वो आकर के बेसिकली जो होता है इस पूरे के पूरे सिस्टम जो नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह थी उसको खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसके साथ में आया था? ये आया होता गजनवी के साथ में। आगे अगर बात किया जाए तो देखिए साउथ इंडिया में जब गया था तो उस समय जो होता है बुद्धिज्म की जगह पर बाकी हिंदुइज्म जो होता है वो राइज करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट इन द भक्ति मूवमेंट हम लोग बात करेंगे शंकराचार्य की, शंकराचार्य ने भी बुद्धिस्ट और जैनिज्म के कह लीजिए कि जो फेम थी, जो कह लीजिए कि फॉलोअर्स थे उनको रोकने के लिए, फिर ब्राह्मणिज्म को फॉलो कराने के लिए नव ब्राह्मणवाद एक लेकर के आया था। तो इस तरीके से जो बुद्धिज्म थी वो बेसिकली धीरे 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 करके डिक्लाइन पोर्शन में आ जाती है। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इनकार्नेशन जिसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। एडवेंट ऑफ इस्लाम, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड स्तूपास ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लैक ऑफ सिक्योरिटी मेड बुद्धिज्म मूव टू नेपाल, जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म देन अडॉप्टेड संस्कृत एज द लैंग्वेज ऑफ प्रीचिंग। देखिए कभी भी किसी भी रिलीजन का अगर जो मेन बेसिस है, अगर जो फंडामेंटल है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर रिलीजन की या तो वो रिलीजन खत्म हो जाएगा या फिर वो रिलीजन पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। और इनफैक्ट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द रिलीजन विल बी रीनेम्ड इन अ न्यू काइंड ऑफ रिलीजन, नए तरीके से वो निकल करके सामने आ जाएगी। अडॉप्टेड मैनी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस संग फर्दर टार्निश्ड द इमेज ऑफ बुद्धिज्म। इनफैक्ट यहाँ पर एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। जैसे बुद्ध के टाइम पर ही इनका एक कजन ब्रदर था जिसका नाम था देवदत्त जो है वो बुद्ध के साथ में हमेशा कंपटीशन में था कि हमें जो है काउंसिल का किसी तरीके से हेड बन जाए और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारे हाथ में आ जाएगा, जैसे पॉलिटिकल होते आ रहा है। तो दिस सिस्टम आप यहां समझ सकते हैं कि यहां पर सिस्टम जो है पॉलिटिकल होते आ रहा है, लेकिन बुद्ध के फॉलोअर इतने ज्यादा था कि देवदत्त का ये जो सिस्टम था वो नहीं बन पाया। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर बात किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात करेंगे टर्म्स के बारे में तो एक पहला टर्म आता है इसको अरहट बोला जाता है। अरहट जो है वो लिबरेटेड बींग्स जो होते हैं उनको बोला जाता है अरहट। सेकेंड निर्वाण, निर्वाण के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या चीज होती है। नेक्स्ट वन इज अ शील, शील का मतलब वही जो बिहेवियर है दैट इज द गुड कंडक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया था, एट फोल्ड पाथ्स के बारे में बात किया था, वहां पर हम लोगों ने इसको बात किया था। नेक्स्ट वन इज द प्रव्रजा, प्रव्रजा का मतलब होता है दिस इज टू गो फॉर्थ एंड रिफर टू व्हेन अ लेमैन लीव्स होम टू लीव द लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट रिनन्सिएशन अमंग ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षुज। तो बेसिकली प्रव्रजा का मतलब होता है जब कोई नया भिक्षु बनता है तो उसको बुलाता है प्रव्रजा। क्लियर हो गया? इनफैक्ट एक चीज यहीं पर आप समझ लीजिए, केथिन, दिस इज केथिन, केथिन होती है जब बुद्धिस्ट को वो जो येलो वाली रोब दी जाती है उसी को बुलाता है केथिन। केथिन का मतलब कपड़ा देना, जो बुद्धिस्ट है मतलब कि जो बोधिसत्व है उनको कपड़ा देना ही केथिन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज द शमना, श्रमणा का मतलब होता है कि जो फॉलोअर्स हैं, श्रमण है बेसिकली वन हु लेबर टॉयल्स एंड एक्सर्ट देमसेल्फ फॉर हायर और रिलीजियस पर्पस और सीकर हु परफॉर्म एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी या फिर एसेटिक। तो ये श्रमणा बोला जाता है और इनफैक्ट अगर मान लीजिए फीमेल है तो श्रमणिक बोला जाता है। नेक्स्ट इसको बोला जाता है उपासंपदा। तो उपासंपदा का मतलब होता है एक तरीके से समझ लीजिए जैसे हिंदुइज्म में उपनयन संस्कार होती है, सेम वैसे ही यहां पर होती है उपासंपदा। मतलब कि जब भी कोई संघ में आता है तो उसका पहले इनकार्नेशन किया जाता है, उनको जो है एक तरीके से उपनयन किया जाता है। तो दिस डिनोट्स अप्रोचिंग और नियर द एसेटिक ट्रेडिशन। इन मोर कॉमन पार्लेंस इट स्पेसिफाइज रेफर टू द राइट रिचुअल ऑफ एसेटिक वेटिंग ordination by which a candidate if deemed acceptable enter the community as upasampada. clear ho gaya kya cheez hai? to jab bhi koi sangh mein aata hai to usko ye kaam kiya jata tha. next one is a vas, vas ka matlab kya hota hai? vas matlab aapko naam se hi samajh mein aa raha hoga, rehna, rukna, reside karna. to vas ka matlab hota hai ki 3 month annual retreat. matlab ki hota kya hai ki barish ke mahine mein ye log rukte the council mein, abhi hum logon ne dekha, वही बेसिकली पीरियड को बोला जाता है वास पीरियड। तो ये बेसिकली जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, बारिश के मौसम में होता है। तो दिस इज द 3 मंथ एनुअल रिट्रीट ऑब्जर्व बाय थेरावाडा प्रैक्टिशनर्स
टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द वेट सीजन या फिर रेनी सीजन. वास लास्टेड फॉर 3 लूनार मंथ, 3 जो है लूनार मंथ में ये लोग रुकते थे, जुलाई टू अक्टूबर में. उपोस्थ, उपोस्थ जो होते हैं बेसिकली, उपोस्थ का मतलब होता है कि ये जो लूनार मंथ में मतलब एक दिन 28वें दिन में एक दिन जो है वो बैठ करके धर्म पर डिस्कशन चर्चा करना, इसी को बोलाता है उपोस्थ. तो ये बेसिकली इट इज अ बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस. द बुद्धा टॉट दैट द उपोस्थ डे इज फॉर द क्लींजिंग ऑफ द डिफाइल्ड माइंड रिजल्टिंग इनर काम एंड जॉय. क्लियर हो गया क्या चीज है उपोस्थ का मतलब. देखिए ये सब जो वर्ड आते हैं ना वो काफी मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, सीधे पूछ देगा इसका मतलब क्या चीज है. तो आप इसका केवल मतलब जानते रहिए, यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल द डेफिनेशन एंड ऑल, ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज द प्रवर्णा. प्रवर्णा जो होता है दिस इज द एंड ऑफ द असेंबली ऑफ वास, तो ये प्रवर्णा होती है. इसी तरीके से एक होती है आसन प्रज्ञा पाक, दिस इज आसना प्रज्ञा पाक. देखिए एक चीज मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूं, कहीं पर भी आप प्रज्ञा नाम सुनिए तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक कर जाना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म, चाहे वो कोई भी लिटरेचर रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, प्रज्ञा नाम अगर दिखता है तो आपको डायरेक्टली जो है बुद्धिज्म की याद आनी चाहिए. आसन प्रज्ञा पाक का मतलब होता है कि जो संघ में आते हैं, काउंसिल में आते हैं और बैठने वगैरह की जो भी सिस्टम देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, उन ऑफिशियल्स को बोला जाता है आसन प्रज्ञा पाक. क्लियर हो गया क्या चीज है. अच्छा एक चीज यहां पर आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से समझ लेते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर यहां पर अगेन इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर तीन के बारे में तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया, दिस इज सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक. दिस इज अभिधम्म पिटक. सुत्त पिटक जो होता है वो किसने लिखा था बताइए, अभी हम लोगों ने देखा था. सुत्त पिटक लिखा गया है आनंद के द्वारा, लिखना का मतलब कंपाइल किया गया है. विनय पिटक लिखा गया है उपाली के द्वारा, और यही दो जो है वो काफी फेवरेट डिसिपल्स थे बुद्धा के. अभिधम्म पिटक जो है मोगलीपुत्तिस्त ने लिखा हुआ है, और ये जो मोगलीपुत्तिस्त है बेसिकली ये जो है वो फिलोसफीज के बारे में लिखे हुए हैं. अगर इन दोनों लोगों के बारे में बात करें तो सुत्त पिटक में लिखी गई है जितने भी कह लीजिए कि सर्मन्स है उसके बारे में, तो सर्मन्स के बारे में बताया गया. एंड दिस इज बेसिकली नोन एज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, तो इनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है. विनय पिटक के बारे में बात करें तो विनय पिटक बेसिकली यहाँ पर लॉज के बारे में बताया गया है, जो नियम कानून वगैरह है जिसको कि हम लोगों ने देखा था पति मोक्ष के बारे में, वही जो है यहाँ पर लॉज वगैरह के बारे में बताया गया है कि काउंसिल में आने के बाद व्हाट ऑल लॉज आर देयर दैट एवरीवन नीड टू फॉलो. ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हमारे लिटरेचर्स हैं, जैसे एक लिटरेचर है जिसका नाम है खुद्दक निकाय, दिस इज खुद्दक निकाय. यहां से आप याद रखिएगा खुद्दक मतलब खुद का मतलब जातक स्टोरीज, तो ये बेसिकली यहाँ पर जातक स्टोरीज लिखी गई है इस खुद्दक निकाय में, विच इज एक्चुअली रिलेटेड विद बुद्धिस्ट लिटरेचर. इसके अलावा दो लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, वन इज द बुद्ध घोष, दिस इज बुद्ध घोष. इन्होंने जो होता है ये हीनयान के फॉलोअर थे, हीनयान मतलब कि प्योरिटी के फॉलोअर थे, और इसी वजह से इनका जो लिटरेचर है वो है विशुद्ध मग, दिस इज विशुद्ध मग. क्लियर हो गया. तो इनकी राइटिंग्स मतलब कि इनके जो लिटरेचर है जो कह लीजिए सिस्टम है वो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. अश्वघोष के बारे में देख लीजिए कहाँ लिखा जाए, इरेज कर दिया जाए, चलिए इरेज ही कर देते हैं. अश्वघोष के बारे में अश्वघोषा, अश्वघोष जो है अश्वघोष यहां पर भी जो है इन्होंने एक ड्रामा लिखा हुआ है, एंड द ड्रामा इज सारिका पुत्र प्रकरण, जैसे सारिका पुत्र प्रकरण, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है, दिस इज बेसिकली अ ड्रामा. क्लियर. इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी बुक्स लिखी हुई हैं, वन इज द सौंदरानंद, दिस इज सौंदरानंद. सौंदरानंद के अलावा यहां पर दिस इज सौंदरानंद. सौंदरानंद के अलावा इन्होंने लिखा हुआ है बुद्ध चरित्र, दिस इज बुद्धा चरित्र. तो इन्होंने दो लिटरेचर्स लिखे हुए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो ये थे बेसिकली पूरी आज की डिस्कशन, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.